खबरों का इंदौर से खबर, जहां नकली अमेरिकी डॉलर की तस्करी करते हुए एसटीएफ की टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खबर है कि 1 मिलियन यूएस डॉलर के नकली नोट को बेचने के लिए एक गिरोह बीते कुछ दिनों से इंदौर के सांवेर और उज्जैन में सक्रिय था। इस बात की जानकारी इंदौर एसटीएफ की टीम को मिली, जिसके बाद नकली नोट बेचने की फिराक में घूम रहे 4 आरोपियों को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट ने 4 आरोपियों को 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख करेंगे अखिलेश, हमारे संवाददाता इंदौर से फोनलाइन पर जुड़ गए। अखिलेश, एसटीएफ की टीम ने जिन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, क्या है जानकारी, कैसे ये गिरोह काम करता था? बिल्कुल दीपक, एसटीएफ इंदौर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग हैं जो कि उज्जैन से इंदौर की तरफ आ रहे हैं और जो उनके पास में नकली अमेरिकन डॉलर है उसको ये खपाने के लिए इंदौर आ रहे थे और 5 लाख में उनकी डील हुई थी। उसके बाद जो एसटीएफ की टीम है उनमें से जो कांस्टेबल था वो खुद ग्राहक बनकर पहुंचा था। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने वो नकली नोट दिखाया था और उसके बाद जो टीम बाहर खड़ी हुई थी उन्हें सूचना दी गई और उसके बाद मौके पर जाकर टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया। फिलहाल में जो टीम है उनसे, एसटीएफ की टीम है, उनसे पूछताछ कर रही है कि ये नोट कहाँ से लेकर आए थे और किसको देने के लिए इंदौर पहुंचे थे। फिलहाल 4 दिन की रिमांड पर इनसे लिया और इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है ताकि अन्य ग्रोह के बारे में इनसे खुलासा किया जा सके। धन्यवाद अखिलेश जानकारी पहुंचाने के लिए।